मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 19 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले मीठे बच्चे, पतित पावन पाप आए हैं पावन बनाकर, पावन दुनिया का वर्षा देने, पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, पतित पावन पाप आए हैं पावन बनाकर, पावन दुनिया का वर्षा देने, पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होगी। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है, और उत्तर में बाबा कहते निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा ना ही पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे, भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं, समझते हैं हाँ कोई शक्ति है लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह कैसे हो सकता, यह तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चे यह तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं, घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवान उवाच, यह तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका बाप है वह हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अटल अखंड दैवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए, उससे तो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं जो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं जिससे आजीविका होती है, बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी ना करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहां चाहे वहां चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत भी बिलाते हैं और वर्षा भी देते हैं, कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वह रात में ले आते हैं या दिन में ले जाते हैं, यह है ही पतित पावन। कहते भी हैं कि सदगति दाता एक है जो आकर सबकी सदगति करते हैं, फिर दुर्गति किसने की यह नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने, यह इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी छिपकर आए बैठते हैं, सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर यानी विकारी बहुत आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं, दो काम तो चल न सके, वह पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप को पहचानते ही नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं, तो न योग लगेगा ना पढ़ाई ही पढ़ सकते, भोगी के भोगी ही रहेंगे। बहुत समझते हैं कि कोई शक्ति है बस, निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता, कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है, यह है नई बातें। गाते भी हैं कि शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं, कहते भी हैं शिवाय नमः, समझते हैं कि वह परम धाम में रहते हैं। हमारा बाप भी है परम पिता, तो वह सबका फादर हो गया ना। भारत में भी ऐसे हैं जो फादर को नहीं मानते। मनुष्य को समझाना बहुत मुश्किल है, मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि अभी दुर्गति का समय चल रहा है। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब व्यभिचारी बन गई है। व्यभिचारी और अव्यभिचारी में कितना अंतर है, वह पापात्मा और वह पुण्य आत्मा। अव्यभिचारी भक्ति है ही सच्ची भक्ति। उस समय यानी द्वापर में मनुष्य सुखी भी रहते हैं, धन दौलत आदि सब रहता है,
कलयुग में जास्ती दुर्गति को पाते हैं। जब व्यभिचारी भक्ति में जाते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते हैं। पहले सत्व प्रधान विकार थे, अभी तमो प्रधान विकार हैं। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। यह है पतित पावन। परमपिता परमात्मा को मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, पानी का सागर थोड़ी पतित पावन नॉलेजफुल है। मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, निराकार परमपिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना, तो अब बताओ गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते हैं? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, उनसे यह ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। उनको ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है जिससे सदगति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं व ज्ञान सागर से, तो ये पहेली भी पूछनी पड़े। इनको पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको है ही कि हे पतित पावन सीताराम, फिर गंगा में स्नान आदि करते हैं, तो यह पहेली भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज शोभती है, जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है वैसे यह भी पहेली है। ख्याल चलते तो है ना कि क्या ऐसी चीजें बनाएं जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे। अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वह फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। ये किसको कहते हो? बाबा करेगा वह बच्चे करेंगे, बोलो कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ, त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकलने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है, सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। एक बच्चे की दिल है त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे, सो भी रंगीन। त्रिमूर्ति से समझानी अच्छे मिलती है। बाबा लॉकेट के लॉकेट भी इसलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है, वह सजाएं भी खाते हैं, पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं फोटो में कोई। जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वे पद अच्छा पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए साक्षात्कार कराया था कि धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएं तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे सो भी पिछाड़ी में जो पड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वह आएगा। हिसाब है बड़ा भारी। अब यह कुंभ का मेला है, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को सुदर्शन चक्र से निकाला जाता है। यह जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए कि यह है सुदर्शन चक्र। ये बहुत अच्छी चीज है, यह ईश्वरीय कोट ऑफ आर्म्स है, यह तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझाने देते रहते हैं। अगर समझो वो मुरली ना सुने तो डायरेक्शन अमल में ला ही ना सके। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए, सर्विस में जो है उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश दो गोले भी चाहिए। यह नर्क यह स्वर्ग,
ये है आज का भारत और कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना निश्चय हुआ बस, जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल ना सके। प्रैक्टिकल में इनका ही मिसाल देखा ना, ब्रह्मा बाबा का। तो ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं, अपनी इज्जत आधी भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्ट मोह अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है, जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वह कपूत ठहरे। वह बच्चा बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना, राजयोग तो बाप अभी सिखलाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते ही नहीं, बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं कि कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है। सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर। लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुगी आसुरी राज्य का विनाश होगा। आसुरी राज्य में कितने ढेर हैं और दैवी राज्य में कितने थोड़े हैं। लिखा भी हुआ है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना। बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ फिर भी सुधरते नहीं है, उल्टा सुलटा बोलते रहते हैं। यह बाबा कहते हैं कि देह सहित जो कुछ है सब कुछ भूल, मामिकम याद करो। अपनी देह में भी ना फंसो, किसी की देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे ममा की देह से प्यार था तो ममा के जाने के बाद कितने मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे। बाप कितना कहते हैं कि देह अभिमानी मत बनो, मामिकम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप की याद में रहना है, ये बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। किसी ना किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में ही बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं विकर्मा जीत कैसे बनेंगे, योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप दोनों साथ हैं, इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विकर्मा जीत बनना है। सुदर्शन चक्र को तो जानना सहज है। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र ना कि चरखा। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, बच्चों को एक्ट में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। और सेकंड पॉइंट है ज्ञान मार्ग में नष्ट मोह जरूर बनना है, पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर वन विजयी भव। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर वन विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है।
यह पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ पांच विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे तब नंबर वन विजयी बनेंगे। और आज का स्लोगन है, हिम्मत का एक कदम रखो तो हजार गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत का एक कदम रखो तो हजार गुना मदद मिल जाएगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।